आजकल तमाम लोग पिज्जा खाने का शौक रखते हैं। क्या कभी आपने शैतान पिज्जा या खोपड़ी पिज्जा खाया है? यह पिज्जा इन दिनों मध्य प्रदेश के इंदौर में अपनी अजीबोगरीब नाम की वजह से मशहूर हो रहा है। यही नहीं, लोग भी इसका भरपूर लुत्फ उठा रहे हैं। बहरहाल इंदौर देश दुनिया में अपने खान पान के लिए मशहूर है, जबकि यहाँ का खान पान को लेकर तरह तरह के एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। इन दिनों सराफा की मशहूर चौपाटी पर खोपड़ी पिज्जा लोगों की पहली पसंद बना हुआ है। इसे देखने और खाने के लिए लोग बड़ी संख्या में गुरु कृपा चाट हाउस की दुकान पर पहुंच रहे हैं। यह पिज्जा दिखने में बिल्कुल खोपड़ी के आकार में रहता है। गुरु कृपा चाट हाउस के मालिक अजय ने बताया कि इस पिज्जा को बनाने के लिए सबसे पहले गेहूं के आटे की स्टफिंग बनाकर उसमें ढेर सारा कॉर्न, शिमला मिर्च, पनीर, लिक्विड चीज आदि भरा जाता है। फिर 7 से 8 मिनट कोयले की आंच पर खोपड़ी पिज्जा के पात्र के अंदर ही इसे सेका जाता है। इसके बाद इसमें और तंदूरी सॉस लगाकर खोपड़ी पिज्जा के पात्र से बाहर निकालकर तेज आंच पर सेका जाता है। जब ये अच्छी तरह से सिक जाता है तो इसे सजाया जाता है और फिर प्लेट में चिप्स और सॉस के साथ परोसा जाता है। ये पिज्जा आजकल युवाओं के बीच काफी मशहूर हो रहा है। दुकान के संचालक ने बताया कि खोपड़ी पिज्जा या शैतान पिज्जा इंदौर और मध्य प्रदेश में पहली बार आया है। इसका रेट 120 रुपए है और इसे लोगों को काफी प्यार मिल रहा है। बता दें कि यह दुकान सराफा की मशहूर चौपाटी में मौजूद है, जो कि देश भर में अपने खान पान के लिए मशहूर है।